Hi friends, I am Balwant Prasad, Assistant Professor in the Bharati Teacher Training College, Jaipur. Welcome to all of you. We are on the Bharati Study Circle YouTube channel, the online classroom. तो दोस्तों आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा शिक्षण विधियां। दोस्तों हम शिक्षण विधियों के बारे में जानते हैं, शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तित किया जाए, यानी विद्यार्थियों के व्यवहार को नवीन क्रियाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए। यानी कि जब शिक्षण विधियों के माध्यम से हम व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो जो हमारा शिक्षण कार्य होगा वो सरल, सरस, सुगम और प्रभावशाली। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को पूर्ण कराना एक शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, महत्वपूर्ण एक कर्तव्य होता है, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्यों को पूर्ण कर सके। तो हम जब शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कौन कौन सी, यानी मुख्य रूप से हम जिन शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे वो है जैसे कि कर की स्थिति, व्याख्या एवं वाद विवाद, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, पूर्ण विधि, गतिविधियों पर आधारित विधि। यानी कि ये जो विधियां हैं ये सब विधियां एक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती हैं। जैसे नंबर एक है करके सीखना, नंबर दो है व्याख्या एवं वाद विवाद, नंबर तीन है परीक्षण विधि, नंबर चार है अवलोकन। नंबर पांच है नंबर छह है सामूहिक विधि, नंबर सात है पर आधारित विधि। नंबर आठ है परियोजना विधि, परियोजना विधि। नंबर नौ है
अनुकरण करें। और नंबर 10 है निरीक्षण विधि। यानी कि दोस्तों आज हम इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि नंबर 1 करके सीखना विधि, नंबर 2 व्याख्या एवं वाद विवाद विधि, नंबर 3 परीक्षण विधि, नंबर 4 अवलोकन विधि, नंबर 5 पूर्ण विधि, नंबर 6 सामूहिक विधि, नंबर 7 गत विधियों पर आधारित विधि, और नंबर 8 प्रयोजना विधि, और नंबर 9 अनुकरण विधि, और नंबर 10 निरीक्षण विधि। यानी कि इन सब विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्यों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे आप देख लीजिए, जैसे शिक्षण विधियों के माध्यम से सबसे पहले तो प्रभावशाली बनाने का जो प्रमुख विधि जिसको माना गया है वो है नंबर 1 करके सीखना। करके सीखना दोस्तों, करके सीखने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी जब स्वयं किसी कार्य को करता है और स्वयं किसी कार्य को करने के बाद उसको सीखता है, तो वो जो विधि होती है वो करके सीखना विधि कहलाती है। जैसे जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करके सीखता है तो वह करके सीखना विधि के अंतर्गत आता है। करके सीखना विधि शिक्षण कार्य को शिक्षण कार्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। यानी कि जो करके सीखना जो शिक्षण विधि है वो विद्यार्थी को, या जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करके सीखता है तो वह करके सीखना विधि के अंतर्गत आता है। करके सीखना विधि शिक्षण कार्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है जब उसको स्वयं के द्वारा कर लिया जाता है तो वो कार्य अपने आप में सरल सुगम और प्रभावशाली बन जाता है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि जो करके सीखना विधि है तो विद्यार्थी के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से साबित होती है। तो कहने का मतलब करके सीखना विधि अपने आप में एक प्रभावशाली विधि है जो कि शिक्षण कार्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। नंबर 2 पर जो विधि आती है वह है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि यानी कि व्याख्या एवं वाद विवाद।
तो दोस्तों दूसरी जो एक विधि है वो व्याख्या एवं वाद विवाद विधि के अंतर्गत आती है। इसका कहने का मतलब यह है कि व्याख्या इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी विषय पर भाषण दिया जाता है और जब किसी विषय पर भाषण दिया जाता है तो उस पर विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा वाद विवाद किया जाता है। जब वाद विवाद किया जाता है तो किसी विषय पर व्यापक बात करने के बाद कोई समस्या होती है उसका हल ढूंढा जाता है और उस समस्या का हल प्रभावशाली ढंग से उसका आंसर प्राप्त किया जाता है, उसका समाधान प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी जो विधि होती है वो व्याख्या एवं वाद विवाद विधि कहलाती है। कहने का मतलब व्याख्या एवं वाद विवाद विधि के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि किसी विषय को लेकर, यानी कोई विषय ले लिया जाता है और विषय लेने के बाद उस पर विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा की जाती है, उस पर वाद विवाद प्रस्तुत किया जाता है, उस पर सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और जब उस समस्या का हल क्रमबद्ध तरीके से ढूंढकर उसका समाधान किया जाता है तो ऐसी जो विधि होती है वो व्याख्या एवं वाद विवाद विधि के अंतर्गत आती है। जैसे इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत किसी विषय पर भाषण दिया जाता है, उसके बाद उस विषय पर वाद विवाद चर्चा की जाती है और उसके अंतर्गत आने वाली समस्या का क्रमबद्ध तरीके से हल निकाला जाता। कहने का मतलब दोस्तों कि जो व्याख्या एवं वाद विवाद विधि होती है इस विधि के अंतर्गत किसी विषय पर भाषण दिया जाता है, उसके बाद उस विषय पर बाद विवाद चर्चा की जाती है और उसके अंतर्गत आने वाली समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से हल निकाला जाता है। कहने का मतलब जो बात व्याख्या एवं वाद विवाद विधि है इसके अंतर्गत किसी विषय पर चर्चा की जाती है और उसमें आने वाली समस्या का हल ढूंढा जाता है। तो ये जो विधि होती है वो होती है व्याख्या एवं वाद विवाद विधि। नेक्स्ट जो विधि है वह है परीक्षण।
नंबर जो तीन विधि है वो है परीक्षण, परीक्षण विधि। तो दोस्तों परीक्षण विधि जो होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से प्रयोग और जो परीक्षण किए जाते हैं, यानी प्रयोग और परीक्षण करने के बाद जो नवीन क्रियाएं की जाती हैं वो परीक्षण विधि के अंतर्गत आती है। परीक्षण विधि अपने आप में एक तरह से करके सीखना विधि के आधार पर होती है। तो कहने का मतलब जो परीक्षण विधि है वो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रयोग और परीक्षण करके नवीन क्रियाएं की जाती हैं। यानी परीक्षण विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रयोग और परीक्षण करके नवीन क्रियाएं की जाती हैं। परीक्षण विधि ही यानी कि जैसे करके सीखना जो विधि है उसी का पर्याय एक तरह से परीक्षण विधि होती है। यानी कि परीक्षण विधि, परीक्षण विधि करके सीखना, करके सीखना विधि का पर्याय है। कहने का मतलब परीक्षण जो विधि होती है वो विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रयोग और परीक्षण करके नवीन क्रियाएं की जाती है। परीक्षण विधि करके सीखना विधि का पर्याय है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो परीक्षण विधि होती है एक तरह से करके सीखना विधि के समान ही होती है, क्योंकि करके सीखना विधि में भी स्वयं विद्यार्थी पहले करता है फिर उसके बाद सीखता है। तो नेक्स्ट जो विधि है वह है अवलोकन, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि एक तरह से जो राष्ट्र के अंतर्गत जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक स्मारक है, उद्योगशाला है, उनको यानी भ्रमण के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा देखा जाता है, उसको नजदीकी से उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तो ऐसे जो शिक्षण कार्य होता है उसको कहते हैं अवलोकन, यानी कि अवलोकन विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य को पूर्ण कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षण कार्य होगा वह अत्यंत ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि एक हम कक्षा कक्ष में मान लो ताजमहल विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ताजमहल विषय को पढ़ रहे हैं, तो ताजमहल का हम कक्षा कक्ष में क्या हम एक वास्तविक ताजमहल को कक्षा कक्ष में उठा के और बच्चे को दिखा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, जो हम दूसरी विधि में आएगा उसमें हम स्पष्ट करेंगे इस बात को कि ताजमहल का मॉडल प्रस्तुत, तो जब मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो वो एक अदर यानी दूसरी विधि हमें अंतर्गत आती है, उसको कहते हैं निरीक्षण, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो अवलोकन विधि है वो निरीक्षण विधि का वास्तविक स्वरूप है। यानी कि निरीक्षण विधि में क्या होगा कि अब ये जो अवलोकन विधि है इसमें क्या होगा कि एक वास्तविकता होगा, एक सजीवता होगा, एक स्वाभाविकता होगा। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक भ्रमण को शामिल किया गया है। हम ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण करके जब हम अध्ययन करते हैं तो अवलोकन विधि के अंतर्गत आता है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि अवलोकन जो विधि है वो एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत स्वाभाविकता, सजीवता पूर्ण रूप से विद्यमान होती है, क्योंकि हम रूबरू होते हैं, आंखों से रूबरू होते हैं,
सामने देखते हैं, सब कुछ उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो जो शिक्षण विधि है वो क्या कहलाएगी? अवलोकन विधि कहलाएगी। जैसे जब विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक एवं उद्योगशाला भ्रमण करके सीखता है, भ्रमण करके सीखता है, वह शिक्षण अवलोकन विधि के अंदर कहने का मतलब अवलोकन जो विधि होती है जब विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक स्मारक एवं उद्योगशालाओं का भ्रमण करके सीखता है तो वह शिक्षण विधि अवलोकन शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। उद्योगशाला कहने का मतलब अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जो अपने आप में एक सजीवता और स्वाभाविकता प्रदर्शित करती है, यानी कि विद्यार्थी के अंतर्गत एक सजीवता और स्वाभाविकता का गुण प्रदान करने वाली जो विधि है वो विधि है अवलोकन विधि। नेक्स्ट है पूर्ण विधि, पूर्ण विधि से तात्पर्य है दोस्तों कि शिक्षण कार्य यानी कि हमेशा जो विद्यार्थी होता है वो सदैव ही पूर्ण शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, यानी पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। तो जब पूर्णता प्राप्त करना चाहेगा तो यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर जो कठिनाई है उनका ज्ञान पूर्व में ही करा देना चाहिए, यानी सभी कठिनाइयों को शिक्षक के द्वारा बता देना चाहिए। पूर्ण जो विधि है उसके अंदर यानी कि शिक्षक को यह आवश्यक हो जाता है कि जो बालक की कठिनाई है उनका समाधान पूर्व में ही कर देना चाहिए। जैसे विद्यार्थी
सदैव पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। अतः शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बालक की कठिनाइयों को
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।